इमाम असदर हुसैन बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी। और मैं समझता हूँ ये करबला की ट्रेनिंग थी। रोजे रखे बच्चों ने, किसने रोजे रखे? बच्चों ने। किसने? 7-8 साल की उम्र है बच्चों की। हजरत अली फरमाते हैं, जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं, तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया। ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते हैं, मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे, रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया। ऐन उस बड़ा बेनियाज है अल्लाह, अजीब रंग है मालिक का। ऐन इफ्तारी का वक्त जब आदमी कहता है कि फटाफट हो जाए, भिखारी दरवाजे पे आया और उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे सबसे, उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले और कहने लगे, अम्मा मैं ना देखे आऊं। हजरत फातिमा रश्क करने लगी, मुस्तफा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना वायुब सिरू ना अला अनफुसीम वलौ काना बिहिम कसासा। अल्लाह फरमाते उन्हें बड़ी अशद जरूरत थी, वो फिर भी वो दूसरों पर इशार कर देते। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरे खाई, लेट गए, सवेरे खजूरे खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया, फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी, पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है, आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली। और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं, यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी, बेटा देर ना करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, पानी से रोजा, खजूरे, शहजादे हैं शहजादे, ये 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमते हैं इनके खाली हाथ में। खजूर पानी से इफ्तारी भी सहरी भी, सवेरे फिर उठे, रोजा रखा, 3रा दिन है, 3रा। जरा दिल पे हाथ रखना, बच्चा एक रात भूखा हो तो अम्मा सोती नहीं। और मैं कहा करता हूं, अम्मा फालज वाली हो ना, फालज वाली मां, फालज ज्यादा, तो आधी रात को उसका बेटा जवान कहे थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो अम्मा को रींगना भी पड़े तो वो रींग के भी जाती है, रोटी पकाती है, कहते मेरा लाल भूखा ना सो जाए। और मुस्तफा की बेटी से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है। और 3 दिन के भूखे बच्चे, 3रा दिन आया, बड़े हौसले से बीबी कह देती है, छोड़ो इनका तो काम है, ये तो आते रहते हैं, मेरे बच्चे भूखे, तुम पहले रोटी खाओ। लेकिन मेरे भाई, करबला ऐसे नहीं सजती। ये जो बर्गर खा के नाराज होने वाले बच्चे होते हैं, ये मैदानों में नहीं निकल पाते, इनके लिए मुश्किल होता है। हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने ड्यूटी की, ड्यूटी अपने बच्चों को तैयार किया करबला के लिए। 3रे दिन जब रखा सामने खाना, तो बाहर से बोलने वाला बोला, कहा मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, 3रे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते, मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हामते कामते 3ों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए, तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मूल पड़ गया हमारा। कहते मस्जिद में कदम रखा तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते 3रे दिन की मगरब पढ़ने गए तो हुजूर ने 3ों बाप बेटों को चेहरे देखे, फरमाया अली ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया है।